आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं। पेट के लिए ये रामबाण वीडियो है। इस सीरीज में कुल मिला के 10 वीडियो आएगी। अगर आप सबको देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाने के चांसेस होंगे। कारण ये है कि यहाँ पे हम उन प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी में पिछले 4 सालों में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं या फिर टेस्ट देना तो इस ऐप पे जाइए, जहाँ जाकर आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहना है और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन देखे आया था लोअर 1/10/2019, मतलब कि ये एग्जाम डेट है, और उसके शिफ्ट 1 में, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेगा, तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। देखिए, इसमें जो सही है ये है सुपर्णरेखा। सुपर्णरेखा ये सही लिखा गया है। इसके अलावा जो ये तीनों है ये गलत है। इस वीडियो को देखने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी इसी तरह जैसे कि आप हिंदी देख रहे हैं, उसी तरह जीके और रीजनिंग की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब कि इनमें कौन सही से लिखा गया है। पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। तो इसमें से जो सही है यह है पहला, केवल पृष्ठ, बाकी सब गलत है। अगला है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध शब्द है। ये क्वेश्चन आया था केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में, और लिखा गया है आनुषंगिक। आनुषंगिक होता है, जो शुद्ध शब्द होता है वही आपको देखना होगा। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर है यह है आनुषंगिक, ये सही है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऋषि लिखा गया है, ऋषि लिखने की कोशिश की गई है। लोअर सेकेंड 28/7/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास 2 सेकेंड होगा, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। ऋषि की बात करें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऋषि इसी तरह लिखा जाता है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कनिष्ठ सहायक में, तो जब इसकी आंसर किया है तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया आयोग के द्वारा, क्योंकि इसमें दो जो ऑप्शन थे दो सही थे, मूल्यवान भी सही है और पृथक भी सही है। तो अंततः आयोग ने इस क्वेश्चन को ही हटा दिया और जो लोग भी एग्जाम में अपीयर हुए थे सबको इसका 1 नंबर दे दिया गया। अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति और क्षमा। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में पूछा गया था। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी के आंसर की में भी कई प्रॉब्लम आती है, और यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार जो ज्योत्सना शब्द था इसको शुद्ध माना गया था, जबकि अगर इसको आप देखेंगे तो इसको अच्छे तरह से आप लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाता है, आधा सौ होता है। यहाँ पे आधा सौ होता है शुद्ध वर्तनी में, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर ए को सही माना, इसलिए हम आपको इसी को सही बताते हैं। लेकिन सही लिखा जाता है इस तरह से, ये पूरा सौ नहीं रहता है। स्टेनोग्राफर भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब तक आपसे शुद्ध पूछा जा रहा था, अब अशुद्ध पूछा जा रहा है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, पुष्प तो बिल्कुल सही है, लेकिन गलत है पूज्य, क्योंकि पूज्य इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये बड़ा मंत्रा होगा, इसमें जो छोटा है ये बड़ा होगा, तो ये गलत है, और ये इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। अध्ययन लिखने की कोशिश की गई है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये होगा अध्ययन,
अध न। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी लिखा गया है। ये भी ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ग्राम विकास अधिकारी का 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, अब 22 और 23 दिसंबर को, और दोनों दिन दो दो शिफ्ट हुए थे, तो ये दूसरे दिन के दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है। सही है इसमें से आपका उत्तरदायी, उत्तरदायी। अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए कि आपके हिसाब से कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। 46 लिखा गया है। ये 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 46, तो इसके लिए पहला वाला विकल्प सही है, 46 ये सही है। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, कौन शुद्ध है? उज्ज्वलन लिखा गया है। ग्राम विकास अधिकारी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर यूपी ट्रिपल एससी की एक खास बात यह है कि एक ही चैप्टर से 8 8 10 10 क्वेश्चन उठाए गए हैं, और अगर आपका वो चैप्टर अच्छा है तब तो आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका बाकी सब चैप्टर सही है वो चैप्टर वीक है तब पूरा आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो इसमें है उज्ज्वलन। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह है परीक्षा, परीक्षा सही है। बाकी पूज्य में आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा हो जाएगा। परीक्षण में इस तरह परीक्षण को लिखा जाता है, प्राण नहीं होता है प्राण होता है, और परीक्षा सही है। अगला है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है, इसमें अशुद्ध बताना है। प्रादेशिक है, माधुर्य है, व्याप्त है और प्रमाणिक है, तो इसमें सही है प्रमाणिक। देखिए इसको आयोग ने माना कि ये अशुद्ध है, और कारण ये था कि इसमें प्रामाणिक होता है, शुद्ध इसका क्या होगा प्रामाणिक, तो ये भी जानिए। अगला है कि अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है, अनसुईया, एनक, संकट, संशय। तो इसमें संकट है, और आयोग ने इस विकल्प को माना था अशुद्ध, और इसका जो शुद्ध होता है ये होता है संकट, इस तरह लिखा जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है सेवा शुश्रूषा, शुश्रूषा होता है सेवा के बाद ये शब्द यूज में आता है, तो यही वाला सही है। अगला है कि शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। उसी लिए हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो फास्ट देखनी है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है शुद्ध शब्द, तो ये है निर्भर, निर्भर शुद्ध है, बाकी सब में प्रॉब्लम है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 पहले शिफ्ट में। और देखिए इसमें जो सही है ये है मुमूर्षु, मुमूर्षु सही है, जो इसमें छोटी का मात्रा होता है फिर बड़ी का मात्रा होता है और फिर छोटी का मात्रा होता है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो ये होगा अध्ययन। बाकी आप देखेंगे अगर अधिकार को, तो ये अधिकार इस तरह लिखा जाता है, इस तरह। अनुसरण को, तो अनुसरण इस तरह लिखा जाता है। आगामी को, तो अगामी ना होकर के आगामी होता है। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है, अशुद्ध, अनुसंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। देखिए अनुसंगिक सही है, आध्यात्मिक भी सही है, गलत है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता है ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक होता है, इस तरह होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। ये क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले
पहले शिफ्ट में पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन या फिर ऊनी। तो शुद्ध शब्द तो आशीर्वाद तो सही है नहीं, ये इस तरह लिखा जाता है आशीर्वाद इस तरह। और उसके बाद अगर आप आजीविका को देखेंगे तो ये सही है, बाकी अध्ययन में ओ आधा द य न होता है। और उनी उनी भी अशुद्ध है क्योंकि इसमें बड़ा उ होता है, इसमें छोटा उ है ना, तो इसमें बड़ा उ होता है। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 सेकेंड शिफ्ट। देखिए इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप UP SSC जी के रीजनिंग मैथ के भी वीडियो को देख सकते हैं अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यह है स्वतंत्र। स्वतंत्र लिखने की कोशिश की गई है, स्वातंत्र, तो इसमें सही है स्वातंत्र। लोअर भर्ती परीक्षा सेकेंड 15/7/2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, कवित्री, कवित्री लिखने की कोशिश की गई है। आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा 25/9/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें से सही होगा आपका कवित्री, कवित्री। अगला है कि मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। इसमें अगर हम महात्म को रेखांकित कर दें तो आपको बताना है कि इस शब्द को शुद्ध करना है, ये सही कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये गलत है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये लिखा जाएगा इस तरह, माहा आधा त, इसमें पूरा त था, यही मिस्टेक था, तो ये अमीन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। आपको बताना है कि इस शब्द को हम सही से लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये भी अमीन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अपना उत्तर ABCD कमेंट करके बताना होगा। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, मतलब बाद में देख रहे हैं, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं, ये इस तरह लिखा जाता है। अगला है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इसमें शुद्ध कौन है, आशीर्वाद लिखा गया है, तो इसमें रॉ तो है ही नहीं, इसी तरह गलत है। ये सही हो सकता था लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। आपका सही है पहला वाला, गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 3/7/2016 में पूछा गया था कि शुद्ध शब्द छांटिए, इनमें शुद्ध कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा 26/6/2016 में। देखिए अभ्यास लिखने की कोशिश की गई है, ये लोअर थर्ड में पूछा गया था जो कि 26/6/2016 को एग्जाम हुआ था, तो इसमें आप देखेंगे तो सही है केवल अभ्यास, बाकी ये भी गलत है, अभ्यास भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिल रहा है, इसलिए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। सही शब्द, सही वर्तनी शब्द का चयन करिए, औन्नति लिखा गया है, श्रृंगार है, मुश्किल है और मातृभूमि है। ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये वीडियो आपका उन सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी जहां पर आप UP SSC का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये श्रृंगार थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, इसको आप इस तरह लिख दें तो यही इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा बाकी सब गलत था, यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, यहाँ पे कवित्री लिखा गया है, तो आपको बताना है कि सही कवित्री कौन होगा। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2 सेकंड में आप अपना उत्तर दिया करिए ताकि हम वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएं। देखिए अगर बात करें कवित्री की तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई तरह से पूछा जाता है, इसमें जो डी वाला है यही सही होगा। अगला है कि प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, अब श्रुति लिपि कैसे सही से लिखा जाए यह आपको बताना है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/2016 में पूछा गया था। देखिए श्रुति लिपि नहीं होता है, ये श्रुत लिपि होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो भी है वो सभी गलत है।
अगला है कि भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। अब आपको बताना है कि जो दुष्चरित है ये कैसे लिखा जाएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 3/4/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए जो आपका सही उत्तर है वो आपको बताना है। ये है पहला वाला, इसके अलावा जो बाकी ये तीन है ये गलत है। अगला है कि शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। लोअर टू परीक्षा में पूछा गया था 6/3/2016 को। तो इसमें शुद्ध शब्द है बड़ा सा, जैसे कि तुम सा, राम सा, इस तरह का होता है, वो सभी शुद्ध होता है। ये गंगा जल एक ही में होगा, बेबुनियाद भी एक ही में होगा, चौपाया भी एक ही में होगा, लेकिन जो ये बड़ा सा लिखा गया है ये सही है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, इनमें से शमशान लिखा गया है। बिल्कुल आसान है, ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लोअर वन भर्ती परीक्षा 28/2/2016 ये एग्जाम डेट है, तो इस दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए शुद्ध वर्तनी से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वोत्तम है, संसारिक है, सचिदानंद है और कीर्ति है। अगर इनमें से आप देखेंगे तो सर्वोत्तम में ये इस तरह होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये गलत है। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, इस तरह इसको लिखते हैं, सांसारिक, ये इसका सही होता है। सच्चिदानंद सही है, मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर है। और बात करें आप कीर्ति की, तो कीर्ति को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, ये होगा अध्ययन, अ आधा ध य य न। अगला है कि रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए, मतलब कि विश्लेषण कैसे लिखा जाएगा यह आपको बताना है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कंपिटेटिव एग्जाम 24/1/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, यह भी आसान क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बस यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही है, इसके अलावा तीन गलत है। शुद्ध शब्द बताइए इसमें से, एक अनधिकार है, अहिल्या है, अंतर ध्यान है और उपर्युक्त है। बताना है कि इसमें से कौन शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें अनाधिकार की, तो अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, ये होता है अनधिकार, ये इसका सही होता है। अगर हम आप अहल्या अहिल्या का देखेंगे तो अहल्या नहीं होता है, ये अहल्या होता है। अंतर ध्यान को आप देखेंगे तो ये होता है अंत अंत ध्यान, इस तरह होता है, यह नहीं होता है इसमें, तो यह भी गलत है। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जो विकल्प गलत है उनको भी हम सही करके बता दे रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे ट्रिक कर पाए। सही वर्तनी बताइए, षष्ठम लिखा गया है। देखिए षष्ठ नहीं होता है, षष्ठ तो कोई शब्द ही नहीं होता है, सही उत्तर होगा षष्ठम। और षष्ठम ये देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पूरा मौन नहीं होना चाहिए, और ये भी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। सही वर्तनी क्या है, पृथ्वी लिखा गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था 11/12/2015 को, तो ये इसमें से जो सही है यह है बी वाला, पृथ्वी, बाकी तीनों गलत है। तो आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं इस तरह के जीके को देखना, रीजनिंग को देखना, तो आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको जाके सारी वीडियो मिल जाएगी। ऐप पर जाकर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। सही वर्तनी बताना है, कौतूहल लिखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे तो हम उच्चारण कर दे रहे हैं तो आपका उत्तर आसानी से सही हो जाएगा। कौतूहल हम बोले हैं तो कौतूहल बस एक ही सही है, बाकी तो कौतहल है, कौतूहल है,
कोतोहल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही अर्थ नहीं बताइए, रासायनिक लिखा गया है। रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है, क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, वनरक्षक में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये एग्जाम डेट है इसका। तो देखिए, रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सही अर्थ नहीं बताइए, अष्ट लिखा गया है मतलब आठ। अष्ट नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आपका सही होगा अष्ट। सही वर्तनी नहीं बताना है। त्रिदोष, त्रिदोष लिखा गया है, वनरक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो 11/12/2015 को पेपर हुआ था। देखिए, अगर आप चाहते हैं कंबाइंड वीडियो, मतलब कि जो भी जीके के वीडियो अपलोड है उनका एक ही वीडियो में, तो कंबाइंड वीडियो के लिए आपको ऐप पे जाना होगा। उसमें आपको वीडियो वाले सेक्शन में कंबाइंड वीडियो मिलता है, तो वहां जाकर आप सारी कंबाइंड वीडियो को देख सकते हैं। कंबाइंड वीडियो का मतलब मास्टर वीडियो, जिसमें आपको 4 घंटे 5 घंटे की एक ही वीडियो मिलेगी। तो देखिए, इसमें से अगर देखा जाए तो सही उत्तर है त्रिदोष, इसके अलावा ये तीनों गलत है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अब इसमें देखना है आपको कि ये दिया गया है दो, बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, और पहला और दूसरा दोनों की वर्तनी गलत है। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगर आप देखेंगे एक एक शब्द का आप देख लें, तो ये श्रृंगार है, ये ईश्वर नहीं होता है, ये केवल इस तरह होता है श्रृंगार, इसमें जो ये लगाया जा रहा है ये नहीं होता है, तो ये तो गलत है। और श्रृंखला को आप देखेंगे तो श्रृंखला में भी यही कहानी है, श्रृंखला में भी यही कहानी है, श्रृंखला भी इस तरह होगा, तो ये भी गलत है। अब बात करें आप अनुकृति की, तो ये अनुकृति नहीं होता है, अनुकृत होता है, शुद्ध शब्द अनुकृत होता है, इस तरह होता है, यानी कि ये भी गलत है। और अनुकृति देखेंगे, अनुकृति तो ये अनुकृति इस तरह होता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, एक शब्द कमेंट करके बताइए, श्रवण कैसे लिखा जाता है, हिंदी में कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, श्रवण कैसे लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो सकता था कि अगर इसको हम सही भी मान लेते, मान लीजिए कि अगर इसको हम सही ले लेते हैं जो कि यहाँ पे हमने बताया है, तो भी आपका कोई विकल्प ऐसा नहीं है, फिर भी आपका डी वाला ही ऑप्शन सही होता। वैसे UP SSC कई क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि विवाद वाला होता है। चलिए, इसमें बताइए कौन सा सही होगा, आसक्ति, पारितोषिक, श्रुशुषा, सुबुद्धि। इसमें आप बता सकते हैं केवल पहला सही, मतलब कि अगर सही हो तो दोनों सही हो, केवल दूसरा सही, सही हो तो दोनों सही हो, या फिर दोनों सही हो या फिर दोनों गलत हो। देखिए, इसमें आसक्ति सही है और पारितोषिक भी सही है, यानी कि पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा में ये वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है, ये लिखा जाता है सुबुद्धि, सुबुद्धि इस तरह लिखा जाता है, तो ये सही है लेकिन ये गलत है, यानी कि ओवरऑल ये गलत ही माना जाएगा, यानी कि आपका केवल पहला वाला सही है। अगला है कि शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द चुनिए, घनिष्ठ लिखने की कोशिश की गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में, इसमें सही है घनिष्ठ, ये वाला बी। इसमें शुद्ध शब्द चुनिए, औद्योगिक लिखने की कोशिश की गई है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये सही है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। शुद्ध शब्द चुनिए, रामायण लिखा गया है, रामायण तो क्या सही होगा। दिक्कत की बात ये होती है कि आप रामायण को रामायण पढ़ते हैं या फिर रामायण पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध है रामायण। यूडीए एलडीए भर्ती परीक्षा 29/11/2015 में पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी चुनिए, ऊपर लिखित। अब ऊपर लिखित होता है कि ऊपर ही लिखित होता है, कि ऊपरी लिखित होता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में पूछा गया था, तो ये ऊपरी लिखित होता है, ठीक है, ये सही हो सकता था,
लेकिन इसमें ये जो मंत्रा है बड़ी वाली, ये इधर से होनी चाहिए, और ऐसा बस एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी, और यही सही होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आप UP SSSC का GK और इसके अलावा रीजनिंग भी चाहते हैं तो आप चैनल के साथ बने रहिए, ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, प्रतिनिधि लिखा गया है। यहाँ देखिए, अगर ये सही होता, अगर ये जो मात्रा है इधर से छोटा वाला होता, यानी कि आपका पहला वाला विकल्प सही होगा, प्रतिनिधि का। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 में ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज बता दें कि जो उस समय राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, ये UP SSSC के द्वारा नहीं कराया गया था, वो राजस्व विभाग ने कंडक्ट कराया था। लेकिन अब जो पेपर होगा ये UP SSSC ही कराएगा, इसीलिए हम उसके क्वेश्चनों को भी यहाँ पे ले ले रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अत्यधिक। तो आसान क्वेश्चन है और इसका होता है अत्यधिक, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता है, जो पहला वाला विकल्प है ये सही होगा। राजस्व लेखपाल 13/9/2015 के इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। पोधन अन, यह किस स्वर संधि का उदाहरण है, ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। आपके ऑप्शन है गुण, अयादि, वृद्धि और ऋण। देखिए, इस तरह की जो भी वीडियो है, चाहे वो GK की हो, रीजनिंग की हो या फिर हिंदी की हो, जो भी UP SSSC का सामने आने वाला पेपर है कोई भी, उन सभी के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है अयादि। पोधन अन मतलब ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है, ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है, ठीक, ये है अयादि स्वर संधि। अगला है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी लोअर के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एग्जाम हुआ था 1/10/2019 को, पहले शिफ्ट में। देखिए, दुस्तर का सही संधि विच्छेद होगा, आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करिए। यह है दुधन तर, दुधन तर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि विसर्ग संधि है ये, किसी भी विसर्ग के बाद यह स्वर या फिर व्यंजन आता है तो वहां पे विकार होता है और इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे अगर इसी तरह आपसे निश्चित का पूछ ले, निश्चिंत का, तो क्या होगा बता पाएंगे, निश्चिंत का होता है निह धन चिंत, ये होता है। अगला है कि अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, चार विकल्प। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसका अगर सही संधि विच्छेद आप देखेंगे तो ये होगा अभिधन इष्ट, अभिष्ट होगा। और यहाँ पे आपने देखा जब समान वर्णों का मेल हो रहा है तो उनका दीर्घ हो जाता है, ये होता है दीर्घ स्वर संधि में। मतलब कि इसमें भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है, जब ये मिलेगा तो हो जाएगा बड़ी, ऐसा होता है दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ये आपको दिख रहा है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, बेहद सिंपल क्वेश्चन, लेकिन लोअर टू में पूछा गया था 28/7/2019 जो कि एग्जाम डेट है। तो स्वर संधि होती है बताइए 5 प्रकार की, कौन कौन, तो दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, उसके बाद से यण और पांचवा अयादि। ये सारे बेहद महत्वपूर्ण है UP SSSC के लिए। अगला है कि विपत्त धन जाल, विप जाल, इनमें कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। ये जूनियर असिस्टेंट के पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जाम हुआ था 31/5/2019 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था विपत्त धन जाल। तो इसमें होगा व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन है, तो जब व्यंजन के बाद व्यंजन या फिर स्वर आए तो वहां पे व्यंजन संधि ही होती है। जैसे अगर जगदीश दे दे तो जगदीश का क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे, तो जगदीश का होता है जगत धन ईश। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये हलंत होना जरूरी है, तभी जाके ये विसर्ग व्यंजन संधि हो पाएगा।
अगला है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? संहार का आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में पूछा गया था। तो उसी तरह संहार का होगा समधनहार, और ये भी व्यंजन संधि है। अगला है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? चार विकल्प है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में। महेंद्र का भी होता है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र मतलब कि महेंद्र। अगर ये पूछ ले कि ये संधि कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आ है, ई है, आ और ई के बाद ए हो गया है। ऐसा होता है बस एक ही संधि में, गुण संधि में। UP SSSC के लिए जो लेटेस्ट क्लासेस हैं वो चालू होने वाली हैं, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिए, हो सके कि उस समय तक ये वो क्लासेस चालू हो चुकी हों। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं? बेहद सिंपल क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था, तो ये तो बिल्कुल आसान है। ये होते हैं तीन। कौन कौन? तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि प्रथम वर्ग के अलावा कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि पहला वाला ना हो, जैसे कि क ना हो, च ना हो, ट ना हो, ये सब ना हो, कोई अनुनासिक वर्ण हो, मतलब कि जैसे कि अनुनासिक वाले हों, न या फिर म आए, तो जो ये सब पहले वर्ण वाले हैं उसके पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये विसर्ग और व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया जाता है। अगला है कि निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? निधन कपट कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है विसर्ग संधि। यहाँ पे आप विसर्ग देख सकते हैं, तो इससे भी आसानी से बता पाएंगे। अगला है कि श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताना है। नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होता है श्रद्धा धन आनंद, आ धन आ बराबरे आ, ऐसा किसमें होता है? तो केवल दीर्घ स्वर संधि में। हिंदी के लिए पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं पूरे टॉपिक वाइज, तो आपका सभी चैप्टर उपलब्ध है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में हिंदी ग्रामर में जाना होगा आपको, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। संधियाँ तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? अभी आपने देखा कि संधियाँ तीन प्रकार की होती है, ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो होता है पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, अनुस्वार संधि कोई नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? कौन है जिसमें कि व्यंजन संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे, जैसे कि जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, तो इन सब में आपको जो विद्यालय दिखेगा, विद्यालय दिखेगा, ये इसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसमें होता है विद्या धन आलय, अधन अ बराबरे आ होता है, अधन आ बराबरे आ होता है, तो ये होता है स्वर संधि में। इसके अलावा जो बाकी जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, तीनों व्यंजन संधि है। अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती है, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के 23 वाले एग्जाम में पहले शिफ्ट में पूछा था। तो ये तीन प्रकार की होती है। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको यही बेनिफिट होने वाला है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनके आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सबको तैयार करना होगा। अगला है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। सदानंद का
ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, अगर देखेंगे सही से तो सदानंद का सही संध विच्छेद होगा सत धन आनंद। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। पुस्तकालय में आपको बताना है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए, पुस्तकालय में होता है पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, तो ये होता है पुस्तकालय में। और पुस्तकालय में होगा दीर्घ स्वर संधि। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अभिधन उदय का सही संधि क्या होगा। अभिधन उदय, देखिए अभिधन उदय का होगा अभ्युदय। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अन्वय का बताइए। चलिए, अन्वय का क्या होगा, ये सभी लोगों के लिए कमेंट करके बताने के लिए होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आप UP SSSC की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको स्वर संधि को पहचानना है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पे स्वर संधि की बात करें तो ये है पुस्तकालय, पुस्तक धनालय होता है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। तो अगला क्वेश्चन है कि मतैक्त किस संधि का उदाहरण है। मतैक्त को पूछा गया है। आपके विकल्प हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 सेकेंड थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेकेंड शिफ्ट है क्यों। तो देखिए, यहाँ पे होगा वृद्धि संधि, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मतैक्त में कोई वृद्धि हो रहा है, जो इसमें अ है इसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि इसी तरह और भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि एकैक होता है, एक धन एक, सदैव होता है, सदा धन एव, महाऔषध होता है, महाधन औषध, तो इस तरह होते हैं। तो इसमें होगा वृद्धि संधि। अगला है कि अयादि संधि इनमें से किसमें है, ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। तो देखिए, अयादि संधि की बात की जाए तो इनमें से अयादि संधि होगा नौ धन इक में, क्योंकि नौ धन इक को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाविक, तो इसमें अयादि संधि होगा। शेष की बात करें, मतलब और की इसके अलावा, तो ये इसमें व्यंजन संधि होगा और इसमें वृद्धि होगा। आ धन ए बराबर ए तथा हो जाएगा ये। और अगर इसको देखेंगे अप धन ज को, तो ये भी अब्ज हो जाता है, ये व्यंजन संधि होगा। यानी कि आपका अयादि संधि पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, तदित, वाग्जाल, रसायन। व्यंजन संधि नहीं है तो ये है रसायन। रसायन का होता क्या है, रस धन आयन, यानी कि हो गया आपका दीर्घ संधि। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है उत धन हरण, मतलब कि व्यंजन संधि। तत् धन हित, ये भी व्यंजन संधि। और इसका होता है वाक् धन जाल, तो ये भी व्यंजन संधि। तो इन तीनों में व्यंजन संधि है। जो चौथा है इसमें स्वर संधि है, और स्वर में दीर्घ स्वर संधि है। इसमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन है, किसमें है, निष्कर्म, संयोग, सदैव, ग्रीस। ये भी वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। विसर्ग संधि है केवल और केवल निष्कर्म में, क्योंकि अगर आप निष्कर्म को संधि विच्छेद करेंगे तो निह धन कर्म होगा। तो जहां पे विसर्ग आ गया वहां पे विसर्ग संधि। बाकी यहां आप देखेंगे तो ये भी व्यंजन है, ये वृद्धि है, सदा धन ईव, और ये दीर्घ है, गिरि धन ईस। अगला है कि भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भुर्जा का, तो भुर्जा का होगा भू धन ऊर्जा। देखिए, अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो छोटी वाला भी है, बड़ा बड़ी वाला भी है। तो परीक्षा में इस तरह आपको अच्छे से कंफ्यूज किया जा सकता है। अगर आप
केवल भूधन ऊर्जा याद करके गए हैं तो, लेकिन वहां पे आपको ये भी याद रखना होगा कि ये बड़ा वाला होता है, भू इस तरह होगा भूर्जा में। अगला है कि पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, पयोधि का बताना है आपको। तो इसमें का आपका सही उत्तर होगा पयाधंधि, पयाधंधि ये होगा पयोधि का संधि विच्छेद। अगला है कि अतुयुक्ति शब्द में कौन सी संधि है, अतुयुक्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, वर्णरक्षक परीक्षा में ये भी पूछा गया था। तो सबसे जरूरी है संधि पता करने के लिए कि आपको उसका विच्छेद पता हो, तो अतियुक्ति का होगा अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। और इसमें क्या हो रहा है, छोटी ई प्लस ऊ बराबर क्या हो रहा है, यू हो जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में होता है यण संधि। अगला है बोलोचित, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बोलोचित। तो देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बोलो कोई शब्द नहीं होता, यानी कि बोलो लिखना तो गलत है। इसमें जो शब्द होता है बाल होता है, बाला होता है, ये बा भी कोई शब्द नहीं होता है, यानी जो भी संधि विच्छेद होगा दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। बाल धन उचित ही होगा, बाला धन उचित नहीं होगा, बाल धन उचित ही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए आयोग के द्वारा इसको सही उत्तर बताया गया था। अगला है कि ई धन आ बराबर या किस संधि में किस तरह का परिवर्तन होता है, मतलब कि ये किस संधि में होता है, ये होता है केवल और केवल यण संधि में। ये क्वेश्चन वनरक्षक 2/12/2018 में पूछा गया था। आहट आवट आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। कड़वाहट, मीठा, मिठास, तो इस तरह के जहां पर भी शब्द आते हैं भाव को बताते हैं, यानी कि आपका होगा भाववाचक। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था, रत्नधन आकार। अगला है कि महेश्वर्य में महाधनेश्वर्य होता है, इनमें कौन सी संधि है। पहले वाले में आ है, दूसरे वाले में बड़ा ए है, और बन गया है क्या, ए बड़ा ए बन गया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा, थोड़ी मिस टाइपिंग है यहाँ पे, यही वाला इसका उत्तर होना चाहिए, आयोग ने थोड़ा मिस टाइपिंग रखा है यहाँ पे, तो ये इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे, अगर इस तरह हो तो यही आपका डी वाला सही उत्तर होगा। सूर्योदय बताइए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद ये होगा सूर्य धन उदय, लोअर सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा सखी धन आगमन, ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण, आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, इसका सही उत्तर होगा अनुधन ऐसड़, अनुधन ऐसड़। धातुष्मा में कौन सी संधि होगी, धातुष्मा में का संधि विच्छेद होता है धातु धन उष्मा, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है, और ऐसा होता है केवल और केवल दीर्घ संधि में, जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था। सरयूमी, इसमें कौन सी संधि है, सरयूमी में कौन सी संधि है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है दीर्घ, यण, व्यंजन और स्वर। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए इसमें जो संधि है ये है दीर्घ, क्योंकि दीर्घ में ही होता है कि जब एक छोटा और एक बड़ा मिलता है तो एक बड़ा ही हो जाता है, और उसी तरह इसमें कंडीशन है, इसमें मिला है सरयू धन उर्मी, मतलब कि एक बड़ा है एक बड़ा, तो बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा, तो दीर्घ में दरअसल ये होता है कि छोटा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, और बड़ा के बाद छोटा के बाद बड़ा है तब भी बड़ा, मतलब कि हर एक कंडीशन में दीर्घ। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि देवालय में कौन सी संधि है, देवालय, तो ये होता है देव धन आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है। चलिए कमेंट करके बताइए भानुदय में कौन सी संधि होगी, भानुदय में
कौन सी संधि है कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो इसका विच्छेद भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में। अगला है कि सछात्र, इसका समुचित संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द आपके स्क्रीन पर है तो इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। अमीन परीक्षा 14/8/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। जैसे किसी तरह पूछा जाता है कि उच्छ्वास का बताइए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उच्छ्वास का। तो ये होता है उत धन श्वास। तो सेम इसी कंडीशन पे ये शब्द भी बना है। अगला है कि उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था राजस्व निरीक्षक परीक्षा, जो एग्जाम डेट है 17/7/2016। तो ये है उसका उत धन डयन। तो उड्डयन का यही संधि विच्छेद होगा। इसमें रूल क्या होता है कि यह व्यंजन संधि है, जब त या फिर द के बाद ड या फिर ढ आता है तो त के स्थान पे द या फिर ड हो जाता है, त के स्थान पे ड हो जाता है। अगला है कि महादनीस का संधि रूप क्या होगा, मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे महादनीस को तो क्या बनेगा। गन्ना पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बनेगा महेश। क्वेश्चन बेहद आसान है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। देखिए, ये जब गन्ना पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था तो जब आयोग ने इसका आंसर की जारी किया तो आयोग ने कहा कि इसका ऑप्शन बी सही होगा, महीस। आयोग ने इसको सही माना था, ऑब्जेक्शन भी हुआ लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ। हालांकि इसका सही उत्तर होगा महेश। अगला है कि दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिग्दर्शन गन्ना पर्यवेक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, यूपी SSSC में गलत आंसर की आना आम बात है, वहां पे तीन तीन चार चार आंसर की आती हैं, तब भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत का गलत ही रह जाते हैं। तो आपको सही जानना है कि वास्तव में क्या है। तो दिग्दर्शन का होगा दिक् धन दर्शन, दिक् धन दर्शन। अगला क्वेश्चन है कि अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अनुवीक्षण का आपको बताना है। ये क्वेश्चन लोअर थर्ड भर्ती में पूछा गया था। देखिए, अगर आप देखेंगे अनुवीक्षण का, तो इसका सही में जो होता है ये है अनु धन इच्छण, ये इसका होता है, जिसमें कि यण संधि है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इस तरह का कोई भी ऑप्शन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला विकल्प इसका सही हो सकता है, सी वाला। इसका जो सी वाला विकल्प है यही सही है। अगला है कि गौधन चरित चरती, गौधन चरती, इसका सही संधि क्या होगा। तो ये होगा गौश्चरती, गौश्चरती। तो इसी तरह और भी कई शब्द हैं, जैसे कि पूछा जाता है निश्चल का बताइए। निश्चल जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बता रहे हैं। तो ये होता है निहधन छल, विसर्ग संधि है। तो ये लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अगला है कि बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बधुर्मी, देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इस तरह था बधुर्मी, तो इसका होगा बधु धन उर्मी। अब आप देखेंगे कि सारे विकल्प बधु धन उर्मी है। ये ग्राम विकास अधिकारी 5/6/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सारे विकल्प में आप देखेंगे तो बधु धन उर्मी ही है, लेकिन जो सही होता है, बधु में बड़ा उ का मात्रा होता है और बड़ा उ होता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही है। अच्छे से देखिए, नहीं तो फिर भी आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर आप ये याद रखते हैं कि बधुर्मी, तो सारे आपको बधुर्मी ही दिख रहा है। अगला है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एवं अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के तहत आते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट 24/4/2016 में पूछा गया था। बेहद आसान क्वेश्चन है, ये आता है स्वर संधि में। स्वर संधि के पांच भाग होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगला है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। देखिए, ये जो यशोदा वाला क्वेश्चन है, कई बार BEd में भी पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आप देखेंगे यशोदा का, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद होता है यश धन दा। कई बार तो इसका संधि विच्छेद भी पूछा है, तो जब आपको संधि विच्छेद पता होगा तब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा।
यहाँ पे विसर्ग है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विसर्ग संधि। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद। अगर आपको याद हो तो पहले पार्ट में हमने पवन का बताया था, जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ पे पवन का पूछा गया है लोअर टू भर्ती परीक्षा में। पवन को होगा पौधन अन्न, पौधन अन्न, और अ मिलकर व हो जाता है, आ हो जाता है। अगला है कि भूर्ध्व का सही संधि क्या होगा। ये लोअर फर्स्ट भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, भूर्ध भूर्ध्व, तो इसका होगा भूधन ऊर्ध्व, भूधन ऊर्ध्व। यह एक स्वर संधि है, क्या बता पाएंगे कि स्वर में कौन सी संधि है। स्वर में तो पांच होती हैं, तो यह है दीर्घ, दीर्घ संधि। अगला है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण बहुत बार पूछा गया है, ये लोअर में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। यहाँ पे रूल ये है कि जब त तो के बाद च अथवा छ आए तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है। अगला है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 21/2/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, यह होगा सत्यधन आग्रह, सत्य का आग्रह सत्याग्रह का अर्थ होता है, तो सत्यधन आग्रह इसका सही संधि विच्छेद होगा। दीर्घ स्वर संधि है। अगला है कि दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा उसी दिन पूछा गया था, तो इसको कहते हैं संधि। अगला है कि निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति को जोड़ करके क्या बनेगा, यही तो आपको बताना है। देखिए सुधन उक्ति को आप जोड़ेंगे तो ये बनेगा सुक्ति, सुक्ति, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कंपिटेटिव एग्जाम 24/1/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। स्वर संधि का देखिए स्वर में क्या होता है कि जहां स्वर का मेल स्वर से हो, अगर स्वर का मेल व्यंजन से हो गया तो व्यंजन, स्वर का मेल विसर्ग से हो गया तो विसर्ग हो जाता है, लेकिन जहां स्वर का मेल स्वर से हो तो वहां स्वर संधि होती है। और ऐसा है बस अन्वय में, अन्वय में, अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। कौन सी संधि है बता सकते हैं, तो ये यण संधि है। जब आप संधि वाली क्लास देखेंगे हमारा, जो कि हिंदी ग्रामर के लिए है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी या फिर ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, तो वहां पे हमने इसको अच्छे से कवर किया है। अगला है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 27/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था पवन का, ये होगा पोधन अन्न, पोधन अन्न। अगर पावन पूछ ले तो पावन का क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोनों अयादि संधि है, दोनों अयादि स्वर संधि है। पवन का हमने बता दिया, पावन का क्या होगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 11/12/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यह है रूपधन अंतरण, रूपधन अंतरण, ये भी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अगला है कि दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुरासा इसका तो कई बार पूछा गया कि कौन सी संधि है, तो यह विसर्ग संधि है। चलिए अब तो कमेंट करके बता दीजिए, और यहां पे विसर्ग का केवल एक ही ऑप्शन है, सी वाला, दुधन आसा। इसी तरह पूछा जाता है जैसे कि मनोयोग, मनोयोग पूछा जाता है, तो इसका होता है मन धन योग। इसी तरह तपोभूमि पूछा जाता है, तपोभूमि, तो तपोभूमि का होता है क्या, तपाधन भूमि, तपाधन भूमि। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। मनोयोग देखिए अभी पूछ लिया गया, यहीं पे हम आपको उदाहरण बता रहे थे और यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है UP SSSC में ही, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए जो स्पेशल हिंदी ग्रामर है सभी के लिए, उससे आपको बेहद कई क्वेश्चन मिलेंगे। ये होगा मन धन योग, मन धन योग। अगला है कि पौधन अन्न का संधि युक्त करने पर क्या बनेगा। अभी इसको हमने आपसे पूछा था, तो पौधन अन्न का बनेगा पावन, और अगर पवन का देखा जाए तो पवन का होता है पोधन अन्न, और पावन कर देने पर यह पौ हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। संधि भी ये अयादि स्वर संधि है।
निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का यहाँ पे ये इस तरह होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये होगा उत्धन श्वास। अभी हमने एक जगह उदाहरण बताते हुए इसको बताया था, असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 22/11/2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? चकबंदी लेखपाल 8/11/2015, मॉर्निंग शिफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पुराने प्रश्नों को हल करना, तो ऐप पे जाइए। ऐप में नीचे जाने पर आपको एग्जाम वाइज टेस्ट मिलेगा। अब ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम वाइज टेस्ट में आपको यूपी ट्रिपल एससी ओपन करना है, वहां जाकर आप पुराने पेपरों को हूबहू टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे। देखिए, कहा गया है निष्कलंक के बारे में कि निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा जोड़ने पर, तो ये होता है निष्कलंक, निधन कलंक बराबर है निष्कलंक। अगला है पवन का सही संधि विच्छेद, तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है, ये भी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था, तो ये होगा पोधन अन, कौन सी संधि है, तो अयादि। ये फिर से क्वेश्चन पूछा गया था चकबंदी लेखपाल में, तो इसका होगा सत्धन शास्त्र, ये क्वेश्चन एक बार राजस्व लेखपाल में भी पूछा गया था, तो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है कि बाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये चकबंदी लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये वीडियो ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बाण्योचित्त होगा। अगला है कि अन्वेषण, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया था और गन्ना पर्यवेक्षक में, तो ये होता है अनुधन ईषण। शीत्रसु, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा गया है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं होता है, अंग का मात्रा, तो ये होगा शीत धन ऋतु। यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये मिस टाइपिंग है, तो ये शीत धन ऋतु इसका सही संधि विच्छेद होगा। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन, अगर आप किसी का संधि विच्छेद करना जान गए तो समझिए कि संधि बता लेंगे। निर्धन का जो सही संधि विच्छेद होता है ये होता है नि धन धन, तो मतलब कि यहां पे क्या दिख रहा है, विसर्ग, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। राजस्व लेखपाल, जो कि उस समय राजस्व विभाग के द्वारा कराया जाता था, लेकिन अब जो लेखपाल का पेपर होगा यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट करेगा। रित्यानुसार, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार, यद्यपि का बताइए, यद्यपि का क्या होगा, कई बार पूछा गया है, तो परिचालक भर्ती परीक्षा में यदि धन अपि, यदि धन अपि। तिरस्कार का डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कम समय लेते हुए अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये विसर्ग संधि है, चलिए बता देते हैं, यह विसर्ग संधि है, क्या बता पाएंगे, विसर्ग के लिए 2 ही ऑप्शन है, तो ती का कोई अर्थ नहीं होता है। सही उत्तर होगा तिराधनकार, तिराधनकार मतलब कि तिरस्कार। अगला है कि आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, आच्छादित, इनमें से अगर आप देखेंगे तो आच्छादित का सही होगा आधन छादित, आधन छादित, कौन सी संधि है यह, व्यंजन, तो व्यंजन संधि है आच्छादित। अगला है कि पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा, तो ये होगा पित्रानुमति, पित्रानुमति यण संधि है, और इसमें क्या हुआ है, तो री ओ के साथ मिलकर के र बना दिया है, स्वर संधि में यण संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, देखिए एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, अब ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो ये होगा उत्तधन श्वास। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, मनुष्यता, यहाँ पे आपके ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थक क्रिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती पुनर्परीक्षा 31/5/2019 में। देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे मनुष्यता, तो यह एक भाववाचक
संज्ञा है। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे कि मिठास, मानवता, इसके अलावा मनुष्यता आपने देख लिया, बुढ़ापा, तो ये सारे जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा है। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पहले वाले में आपको भाववाचक बताना था, इसमें बताना है कि भाववाचक नहीं है। तो देखिए इसमें से आपका सही उत्तर होगा सोना। ये जो राज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिस टाइपिंग है, तो ये सोना आपका सही उत्तर होगा। सोना को अगर आप छोड़ दें तो मनाही, विद्वता और खुशी तीनों भाववाचक संज्ञा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। आप ऑप्शन पे मत गौर करिए, जो शब्द है उस पे गौर किया करिए। क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा होती है यह कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, ये बनती है 5 प्रकारों से। कौन कौन? पहला है जातिवाचक, मतलब कि जो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडिताई, पंडिताई किससे बना है? पंडित से। इसी तरह बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा से। तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा होता है सर्वनाम से, सर्वनामों से, सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि अपनापन, अपनापन, अपना, अपना जो सर्वनाम है उससे ये शब्द बना है। तीसरा होता है इसमें आपका विशेषण, मतलब कि विशेषण से भी बनता है विशेषण। और विशेषण का से जो शब्द बनता है ये है मिठास, जो कि मीठा से बना है। इसके अलावा हमने आपको 5 तरह का बताया, तो चौथा होता है अव्ययों से, अव्यय, अव्ययों से बनता है। जैसे कि धिक्कार है, धिक्कार धिक से बनता है। और उसी तरह एक पांचवा है क्रियाओं से, क्रियाओं से, जैसे कि लेख, लिखना से लेख आ गया, चढ़ना से चढ़ाई आ गया। तो इस तरह जो भाववाचक संज्ञा होती है 5 प्रकारों से बनती है, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रियाओं से। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया था स्टेनोग्राफर के परीक्षा में, जिसका एग्जाम डेट है 10/3/2019। ये वीडियो देखने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आगे जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ के लिए आपकी तैयारी अच्छी होगी, संज्ञा को लेकर या फिर किसी भी चैप्टर को लेकर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय, क्योंकि यहाँ पे किसी खास पर्वत की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम केवल पर्वत बोलते तो ये भाव जातिवाचक संज्ञा हो जाता, मतलब कि किसी भी पर्वत को हम पर्वत बोल देते। लेकिन यहाँ पे एक पर्वत का नाम रखा गया है हिमालय, जिसकी लंबाई है 8,848 मीटर, तो इसको कहा जा रहा है, तो यह एक व्यक्तिवाचक है। अगला है कि लड़का कौन सा संज्ञा है। लड़का, देखिए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो लड़का एक पूरी जाति का वो बता रहा है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका नाम राम, श्याम, घनश्याम कुछ भी हो, वो लड़का है। तो यहाँ पे जो ये लड़का शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक के बारे में आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि नदी की बात करें या फिर पहाड़, अभी आपने देखा घर, अगर हम कहें कि घर, तो कोई भी घर, यानी कि यह जो घर है पूरा अपना एक समूह बनाता है, समूह मतलब कि पूरे एक जाति का एक बोध करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे देखिए, व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है कि कहाँ कहाँ से ये निकलता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 6, लेकिन ये होता है केवल 3। कौन कौन? तो रूढ़ संज्ञा, संज्ञा, और दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, तीसरा होता है योग रूढ़ संज्ञा। देखिए अगर रूढ़ की बात करें तो ऐसे जिनका, जिनको तोड़ने पे कोई अर्थ ना निकले लेकिन खुद का अर्थ हो, जैसे कि कृष्ण, गंगा। अगर यौगिक का देखेंगे तो यौगिक का मतलब कि जोड़ करके बनाए गए हों, जैसे कि पाठशाला, शाला मतलब कि जहाँ पे काम होता है, और पाठ मतलब कि पढ़ने का, यानी कि ये पाठ और शाला को जोड़ करके बनाया गया है। और तीसरा ये जिनका एक खास अर्थ निकलता हो, जैसे कि
पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, जैसे जलज कमल को कहते हैं, लंबोदर ये गणेश भगवान को कहते हैं, तो ये दोनों हो गए योग रूढ़। मतलब कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा तीन प्रकार की होती है। पहला होता है रूढ़ संज्ञा, दूसरा होता है यौगिक संज्ञा, और तीसरा होता है योग रूढ़। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर बताइए। देखिए अर्थ के आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये संज्ञा होती है पांच प्रकार की, और जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन है, बेहद आसान है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है। यहाँ पे एक पूरा विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि संज्ञा नहीं है। संज्ञा का परिभाषा आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा है, भीड़ एक समूहवाचक संज्ञा है। ये तीनों एक समूह को बताते हैं। मतलब कि ये कहा जाए कि वहाँ पे एक सभा हो रही है, तो सभा में एक या फिर दो व्यक्ति तो होंगे नहीं। अगर एक या दो दो व्यक्ति होंगे तो उसे सभा नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ ज़्यादा लोग होंगे। कक्षा, कक्षा मतलब कि कक्षा में तो एक होगा नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पर भी 5, 6, 10, 20, 50 हो सकते हैं। उसी तरह वहाँ लोगों की भीड़ लगी है, तो भीड़ में भी कई लोग होते हैं। यानी कि ये तीनों शब्द समूहवाचक हैं, लेकिन दौड़ समूहवाचक नहीं है, और यहाँ पे आपको वही बताना था। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसे शेयर भी किया करिए, ताकि और भी लोग यहाँ तक आ पाएँ, इस वीडियो को देख पाएँ, और हम इस तरह आपके लिए पूरा रीजनिंग हिंदी और जीके कवर कर पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक देखना है आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे खटाई है, मिठाई है, दूध है और ठंड है। तो खटाई ये द्रव्यवाचक मतलब कि ऐसा जो कि एक द्रव्य का आभास करे, तो ये है केवल दूध, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 शिफ्ट सेकंड में। गाय कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो गाय देखिए पूरी एक जाति को बताती है, कोई भी गाय हो, काली, नीली, मोटी, पतली, सभी गाय ही है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि अगर हम कहें मोर, किसी भी मोर को मोर कहते हैं, किसी भी शिक्षक को शिक्षक कहते हैं, किसी भी मंत्री को, चाहे वो जल मंत्री हो, सेना मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उसको मंत्री कहते हैं। घोड़ा को हम किसी भी घोड़े को घोड़ा कहते हैं, तो ये होते हैं सारे जातिवाचक। ग्राम विकास अधिकारी 23/12 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अगला है कि निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, देखना है कि भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन और बीमारी। तो देखिए दिल्ली एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि एक शहर का नाम है। लड़का एक जाति जातिवाचक होगा क्योंकि एक जाति का बोध करा रहा है। मोहन एक व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि यह एक व्यक्ति है, ये जाति है, ये भी व्यक्ति है। लेकिन जो बीमारी है यह एक भाववाचक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/18 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा कौन है, तो आसमानी, नियमित और पाश्चात्य ये तीनों नहीं है, लेकिन अगर आप अनुशासन को देखेंगे तो यह एक संज्ञा है। ये तीनों विशेषण है लेकिन यह एक संज्ञा है। ग्राम विकास अधिकारी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से बताइए कि संज्ञा कौन है, हरा, पहला, पतला, सभा या फिर गहरा। तो संज्ञा बताना है कि संज्ञा कौन है, तो सभा एक समूहवाचक संज्ञा है और यही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि हरा क्या है, पतला क्या है, गहरा क्या है, तो ये तीनों विशेषण है। विशेषण इसलिए क्योंकि ये किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे कि कोई चीज कैसा है तो हरा है, राम कैसा है तो पतला है, लाल गहरा है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये तीनों विशेषण होगा। अगला है कि अचूक विशेषण के साथ उपर्युक्त संज्ञा कौन सी है। आपके ऑप्शन है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा आपको बताना है संज्ञा जो कि अचूक के साथ लगाया जाए, तो अचूक चोट नहीं लगती, अचूक नेत्र नहीं होता है, लेकिन अचूक निशाना जरूर होता है। मतलब कि ऐसा निशाना जो कभी चूके ना, ये क्वेश्चन वनरक्षक
परीक्षा 12/2018 में पूछा गया था। यहाँ पे 2 सेकंड टाइम मिल रहा है, चाहे तो आप बीच में अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको आता है तो। पशु चर रहे हैं, इसमें जो रेखांकित पद है मतलब ये पशु वाला, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक के पेपर में पूछा गया था, तो आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है तुरंत। देखिए पशु से क्या हो रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है कि मतलब किसी भी जानवर को, जैसे जिसको हम पालते हैं उसको हम पशु बोलते हैं, तो एक पूरे जाति को बता रहा है, तो ये जातिवाचक होगा। चलिए एक शब्द हम बताते हैं, उसको बताइएगा कि वो कौन सी संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है ये आपको कमेंट करके बताना है। पशुता, पशुता कौन सी संज्ञा है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बापा, बापती, बपौता, बपौती। ये पूछा गया था वनरक्षक में, लो इसका सही उत्तर होगा बपौती, बपौता कोई शब्द नहीं होता। अगला है कि निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे पुराना, नीला और मोटा ये किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, लेकिन गंगा एक संज्ञा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है कि जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। क्षेत्रीय युवा कल्याण में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि अभी आपने देखा पशु, नदी, गाड़ी, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं ये होते हैं जातिवाचक। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द के नीचे अंडरलाइन है, आपको बताना है कि इसमें भाववाचक संज्ञा, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, गुणवाचक होगी। तो इसको तो हमने बता ही दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि मिठास है, घृणा है, बुढ़ापा है, उसी तरह स्वतंत्रता है और ये है भाववाचक। लोअर टू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। थोड़ा सा ऑप्शन बड़े बड़े हैं तो पढ़िए और 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमीर, गरीब, समूह, मिठास, तो कुछ शब्द तो हैं लेकिन कुछ विशेषण वाले भी शब्द हैं, जैसे कि अमीर एक विशेषण शब्द है, गरीब भी विशेषण शब्द है, तो ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका नहीं होगा पहला। दूसरा जवानी, खटास, पुस्तक और गंगा, तो इसमें कुछ शब्द हैं लेकिन कुछ शब्द नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, तो इसमें रसीला भी है और इसके अलावा कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, यही होगा तीनों, इसके सभी शब्द हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में 4/12/2016 में पूछा गया था। इसमें बताइए कौन जातिवाचक है, कामायनी, आम, रसीला और वकील। तो इसमें आप देखेंगे सही से तो जातिवाचक मतलब कि वकील ही होगा, मतलब किसी भी वकील को हम वकील ही कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक मतलब किसी का नाम हो, तो यही तो आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें ये भाववाचक हो गया है तो ये तो होगा नहीं, लखनऊ ये तो ठीक है, आम ये जातिवाचक हो गया है, ये भाववाचक हो गया है, ये भी नहीं होगा, ममता, वकील, पुस्तक, तो ये भी नहीं होगा, आपका सही उत्तर होगा राम, रामचरितमानस और गंगा। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। लोअर वन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए किसी भी राज्यपाल को आप राज्यपाल कहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, केरल का हो, असम का हो, गुजरात का हो, कहीं का हो, तो ये पूरे एक जाति को बोध कर रहे हैं, तो ये होगा जातिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक, तो भारत, लड़का, मित्रता और पेड़। तो भारत एक व्यक्तिवाचक है, लड़का एक जातिवाचक है, मित्रता एक भाववाचक है, और यही आपको बताना था, वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था।
चलिए कमेंट करके बता दीजिए पेड़ क्या है, पेड़ कौन सी संज्ञा है, कमेंट करके बताइएगा। और इस चैप्टर के लिए मतलब इस संज्ञा के लिए दूसरा क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है, इसमें गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेष्य है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो यह है जातिवाचक संज्ञा, मतलब कोई भी गरीब को हम गरीबी बोलते हैं। अगला है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें जो रेखांकित शब्द है मतलब कि बुढ़ापा, आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो देखिए बुढ़ापा को हम बता चुके हैं कई बार और यह है भाववाचक। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का दौड़ता है। तो देखिए लड़का दौड़ता है तो लड़का एक पूरे जाति को बोध करता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ये परिचालक भर्ती परीक्षा 23/8/2015 में पूछा जा चुका है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। देखिए अगर जवान को देखेंगे तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, बालक भी है, लेकिन सुंदर एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो विशेषण है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, तो ये विशेषण है। और अगर विशेषण है तो यही बताना था यहाँ पे आपको, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसमें सर्वनाम कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेखांकित शब्द है ये है आप, तो आप भला तो जग भला, इसमें जो आप है इसमें कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। देखिए जो आप वाला शब्द है जैसे आप कहें या फिर अपने, ये जो सारे शब्द होते हैं ये जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ये अपने लिए प्रयोग में लाता है, और जब इसे अपने लिए प्रयोग में लाया जाए तो इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर, जिसका एग्जाम डेट है 1/10/2019, पहला शिफ्ट। सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई ये सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है ये आप बताइए कमेंट करके। देखिए सब कोई शब्द जो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है, और यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन लोअर 1/10/2019 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अगर बात करें हम सर्वनाम की, तो संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई कोई ये भी शब्द आता है, जो कोई, सब कोई, तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठवां प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। यहाँ पे आपके विकल्प हैं संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो देखिए अगर जैसे कि मैं, हम, तुम, आप या ये वाले जो शब्द होते हैं ये होते हैं पुरुषवाचक, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा ये पुरुषवाचक होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31/5/2019 में। तो अगला क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 31/5/2019 में। तो आपको बताना है कि जो उत्तम पुरुष है ये किस सर्वनाम के अंदर में आता है। तो देखिए ये आता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे तो आपको 3 मिलते हैं। पहला मिलता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं, हम। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होगा, तुम, आप, या कहीं कहीं आपको डायरेक्ट तू भी लिखने को मिलता है। एक होता है अन्य पुरुष, जिसमें होता है वह, वे, ये और यह। ये सारे क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया था। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा
30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। यहाँ पे हम 2 सेकंड दे रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। तो देखिए, 2-3 शब्द होते हैं जैसे कि जो, सो, जिसने और जिसके। ये जो शब्द होते हैं ये होते हैं संबंध वाचक, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो कि रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यहाँ पे है कि वह कल मुझसे मिलने आएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन सा है, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष। ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा और 30/5/2019 के पहले शिफ्ट में। तो देखिए, इसमें होगा आपका अन्य पुरुषवाचक, बात की गई है वह के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया पिछले वाले पेज पे, यहाँ पे वह, तो ये हो रहा था अन्य, तो इसमें भी होगा अन्य। अगला है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था राज्य मंडी परिषद भर्ती परीक्षा 30/5/2019 सेकंड शिफ्ट। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो ये होगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अगला है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। क्वेश्चन है कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इसमें जो अपने आप है इसमें क्या है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर निजवाचक है। ये भी क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहा गया है कि अपने आप, अपने आप जहां पर अपने शब्द दिख जाए या आप शब्द दिख जाए ये होता है निजवाचक। अगला है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, प्रश्नवाचक, जैसे कि जो, सो, कोई, कौन। बेहद आसान क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया था ये। तो ये होगा कौन, इसका डेट है 10/3/2019। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं। बदले में, जो शब्द संज्ञा के बदले में आते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। ये जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 19/2/2019 में पूछा गया था। शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं। ये थोड़ी मिस टाइपिंग है, इसको आप पहले पढ़िए, जो सर्वनाम शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, जैसे कि जो कोई या फिर कोई न कोई या फिर कुछ कुछ, कौन कौन या फिर कोई कोई, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं ये होते हैं संयुक्त सर्वनाम। अगला है कि जो जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक। तो जो मतलब कि आप देखेंगे कि जो का प्रयोग होता है कि जोड़ने के लिए, तो ये होगा संबंधवाचक। जो और सो ये संबंधवाचक होते हैं। कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वह आप ही चला गया, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ये किस सर्वनाम के तहत आता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अपने आप या फिर आप या फिर अपने, ये शब्द जहां पर कहीं पर भी आ जाए ये होता है निजवाचक। तो निजवाचक होगा इसमें और आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्राम विकास अधिकारी के 23/12/2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था 23/12 के पहले शिफ्ट में। तो पूछा गया कि कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 11। कौन कौन, कौन कौन ये भी तो पूछ सकता है। तो ये होता है क्या, कौन, कुछ, कोई, जो,
मैं, तू, आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, उसके बाद से 10 11, तो ये सर्वनाम होते हैं हिंदी में। 11 सर्वनाम माने जाते हैं, क्या, कौन, कुछ, कोई, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह। अगला है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो यही क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था आपके लिए कि यहाँ पे भेद पूछा गया है, तो भेद तो कम ही होते हैं, भेद होते हैं केवल और केवल 6। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे भेद नहीं पूछा गया है, आप विकल्प को भी देख के ये बात पता कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 6 विकल्प में है ही नहीं है। तो अगले क्वेश्चन में है कि कितने भेद होते हैं, तो ये होते हैं 6। कौन कौन, तो पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, हो गया 5, और एक होता है संबंधवाचक, 6। अगला क्वेश्चन है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, अपने या फिर आप, अपने या फिर आप, ये जहां पर भी शब्द आपको दिख जाए ये होगा निजवाचक। इसी वीडियो में कई बार हम आपको बता चुके हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, निम्न में से कौन है जो कि सर्वनाम शब्द है, ये आपको बताना है। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो देखिए, नीद तो कोई सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम होता क्या है कि जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग में लाया जाए, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में। तो इसमें से तो कोई नहीं है, आपका सही उत्तर होगा कौन। तो कौन होगा, जैसे कि कौन होता है, क्या होता है। तो ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 में पूछा गया था। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो रेखांकित शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है। तो कहा गया है हम मतलब कि पुरुषवाचक, वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, अनिश्चयवाचक होना चाहिए और सर्वनाम का करण कारक बहुवचन होना चाहिए। तो किन्नी को तो होगा नहीं, किन्नी की तो नहीं होगा, आपका सही उत्तर होगा किन्नी से, क्योंकि कहा गया करण कारक, तो करण कारक में से होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये से आना चाहिए और से बस एक ही विकल्प में है। अगला है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, इनमें सर्वनाम का भेद कौन नहीं है, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक तो होता ही होता है, गुणवाचक नहीं होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आपका सही उत्तर होगा। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक का बहुवचन रूप। तो देखिए, आपादान की बात करें या फिर जैसे यहां पे अगर हम लिख लें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग, तो यहां पर भी से है और यहां पर भी से है। यहां पे कहा गया कि आपादान यानी कि उसमें से तो होगा ही होगा, लेकिन इनमें से कौन होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अनिश्चयवाचक भी होना चाहिए। अब जब अनिश्चयवाचक होना जरूरी है तो ये हो जाएगा किन्नी से, किन से नहीं होगा, किन से मतलब कि ये अनिश्चय नहीं रह गया। अगला है कि निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना। तो इसमें से जो सर्वनाम होगा ये होगा कुछ, बाकी शब्द तो सर्वनाम नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए, ऐसा जोड़ा कौन सा है जिसमें उत्तम पुरुष है, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इसने, इन्होंने। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा मैं, हम। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा 16/9/18 में पूछा गया था। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इसमें जो स्वयं शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बता देना है। फिर से वही क्वेश्चन है, अपने, आप और स्वयं, ये जो भी शब्द जहां पर भी कहीं आ जाए ये होगा निजवाचक। ये क्वेश्चन लोअर सेकेंड भर्ती परीक्षा में पूछा
पूछा गया था। अगला है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अपने यहाँ पे आपको दिख रहा है, और जहाँ पर अपने, स्वयं, आप ये शब्द दिख जाए ऑटोमेटिक हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह है इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो वह है कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है, ये होगा निश्चयवाचक। राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा 17/7/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई आदमी धन की चाहत रखता है, कोई संतान की, उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं, मतलब गलत हैं? पहला है कि प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है, आपको बताना है कि कौन गलत है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि दोनों बार जो शब्द आया है वो सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे पहली बार आया है वो विशेषण है और उसके बाद आया है वो सर्वनाम है। अगला है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये क्वेश्चन लोअर टू भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। मुझे, मुझे मतलब कि बोलने वाले वक्ता को ही, उत्तम पुरुष को ही कहा जा रहा है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा उत्तम पुरुष। अगला है कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है,